आज का वीडियो में हम देखेंगे आईटीआई से इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए में बोर्ड को मुड़ने से बचाना, बी में स्ट्रिप को सहारा देना, सी में स्ट्रिप को जोड़ना, डी में टेबल पर टेक देना। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, बोर्ड को मुड़ने से बचाना। नेक्स्ट प्रश्न, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है कहलाता है। ऑप्शन ए में है बैटन, बी में स्ट्रिप, सी में एबोनियस, डी में कोई भी। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दूसरा का सी, एबोनी एज कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में नरम लकड़ी, बी में अच्छी तरह उपचारित, सी में गांठों वाली नई लकड़ी, डी में कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा तीसरा का सी, तीसरा का सी, गांठों वाली नई लकड़ी गुण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न चार नंबर, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। ऑप्शन ए में हेड की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई से, ब्लेड की चौड़ाई से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो चार का आंसर हो जाएगा चार का बी, ब्लेड की लंबाई से। अगला प्रश्न पाँच नंबर, टी वन साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। ऑप्शन ए में है 1500 mm, बी में 1000 mm, सी में 700 mm, डी में 500 mm। इसका आंसर हो जाएगा फाइव का बी, 1000 mm होती है टी वन साइज का। नेक्स्ट प्रश्न है, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। ऑप्शन ए में है हेड, बी में है ब्लेड, सी में एबोनी, डी में कोई नहीं। छठा का आंसर हो जाएगा ए, हेड। नेक्स्ट प्रश्न, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उनका चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है सीधी समानांतर लाइनें, बी में खड़ी समानांतर लाइनें, सी में झुकी हुई समानांतर लाइनें, डी में केंद्रित समानांतर लाइनें। सेवन का आंसर हो जाएगा ए, सीधी समानांतर लाइनें। नेक्स्ट प्रश्न है आठ नंबर, टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है। ऑप्शन ए में है 45 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में है 75 डिग्री, डी में है 90 डिग्री। तो एट का आंसर हो जाएगा डी, एट का डी, 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है नाइन नंबर, निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। ऑप्शन ए में हॉरिजेंटल समानांतर लाइनें लगाना, बी में सेट स्क्वायर को सहारा देना, सी में पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना, डी में कोई नहीं। नाइन का आंसर हो जाएगा नाइन का सी, पेपर कटिंग एज को काम करना। नेक्स्ट प्रश्न है दस नंबर, टी स्क्वायर की सहायता से साइड स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। साइड स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनों का चुनाव करें। ऑप्शन ए में हॉरिजेंटल लाइनें, बी में वर्टिकल लाइनें, सी में समानांतर लाइनें, डी में है उपरोक्त सभी। दस का आंसर हो जाएगा बी, दस का वर्टिकल लाइनें। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। ऑप्शन ए में है 15 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री, डी में है 90 डिग्री। 11 का आंसर हो जाएगा ए, 15 डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, प्रोट्रैक्टर जिसे हम चांदा भी बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर कोण मापने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में है डिग्री में कोण, बी में रेडियन में कोण, सी में मिनट में कोण, डी में रेखिक कोण माप। तो 12 का आंसर हो जाएगा 12 का ए, डिग्री में कोण मापता है प्रोट्रैक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, प्रोट्रैक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापने व बनाए जा सकते हैं। जो प्रोट्रैक्टर उसे कितनी शुद्धता में कोण मापे या बनाए जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है
ए में 1.5 डिग्री, बी में 0.5 डिग्री, सी में है 1 डिग्री, डी में है 2 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी 1 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए में कोण मापना, बी में कोण बनाना, सी में वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना, डी उपरोक्त सभी। 14 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में लकड़ी, बी में सेलुलॉइड, सी में स्टील, डी में रबड़। 15 का आंसर हो जाएगा बी सेलुलॉइड। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, इंजीनियरिंग या टेक्निक ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए में किस आधार पर इंजीनियरिंग और टेक्निकल ड्राइंग में किस प्रकार का किस आधार पर पेंसिल का चुनाव किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है पेंसिल की लंबाई, पेंसिल का व्यास, पेंसिल का ग्रेड या सिक्के का रंग। तो 16 का आंसर हो जाएगा 16 का सी पेंसिल का ग्रेड के आधार पर चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? ऑप्शन ए में 7B, बी में HB, सी में 9H, डी में 2H। तो 17 का आंसर हो जाएगा मेरा 17 का सी 9H सबसे हार्ड पेंसिल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। निर्माण रेखाएं कंस्ट्रक्शन लाइन जिसे हम बोलते हैं खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में रेखाएं खींचने किस ग्रेड का पेंसिल प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है 2H या 3H, बी में है HB या H, सी में है H या 2H, डी में 9H या 8H। तो 18 का आंसर हो जाएगा 18 का ए 2H या 3H प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है? ऑप्शन ए में 6B, बी में HB, सी में 9H, डी में है 5H। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा 19 का ए 6B सबसे सॉफ्ट पेंसिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए में है काओलाइन की मात्रा, बी में सिक्के की मोटाई, सी में ग्रेफाइट की मात्रा, डी में पेंसिल की लंबाई। 20 का आंसर हो जाएगा ए क्लोलाइन की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में H, बी में 6H, सी में HB, डी में है 2H। तो इस 21 का आंसर हो जाएगा मेरा ए H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? तो ऑप्शन है ए में षट्भुजाकार, बी में वर्गाकार, सी में गोल, डी में त्रिभुजाकार। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए 22 का ए षट्भुजाकार। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर, किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में रेजिंग शील्ड, बी में सैंड पेपर, सी में है स्केल, डी में फ्रेंच कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए रेजिंग शील्ड। नेक्स्ट प्रश्न, रेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? ऑप्शन ए में प्लास्टिक, बी में लकड़ी, सी में स्टील की पतली पत्ती या डी में रबड़। 24 का आंसर हो जाएगा 24 का सी स्टील की पतली पत्ती। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए में है सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, वृत्त या दीर्घ वृत्त, त्रिभुज चतुर्भुज, डी में बहुभुज। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी वृत्त और दीर्घ वृत्त। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ को छाटो।
तो ऑप्शन ए में लकड़ी, बी हाथी दांत, सी सेलुलॉइड ऑब्लिक प्लास्टिक, डी में स्टेनलेस स्टील। तो 26 का आंसर हो जाएगा हमारा डी स्टेनलेस स्टील। जो मापने वाले पदार्थ होते हैं जो सबसे हार्ड स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए में त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन, बी में फ्लैट क्रॉस सेक्शन, सी में पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढालवां किनारे, डी में कोई भी। तो 27 का आंसर हो जाएगा हमारा 27 का सी, पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढालवां किनारे। 28वां प्रश्न, ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए में 150 mm, बी में 300 mm, सी में 600 mm, डी में ए बी दोनों। तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा 28 का डी, ए और बी दोनों, 150 mm और 300 mm दोनों प्रयोग में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में बड़ी कंपास, बी में बो कंपास, सी में बड़ा डिवाइडर या डी में बो डिवाइडर। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए, बड़ी कंपास का प्रयोग किया जाता है, बड़े प्रकार के वृत्त का व्यास खींचने के लिए बड़ी कंपास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम शीट प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का ड्राइंग शीट प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए में हैंड मोड पेपर, बी में मिल मेड पेपर, सी में दोनों, डी में दोनों में से कोई नहीं। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, मिल मेड पेपर। ठीक है, तो इस तरह से